ट्रांसफार्मर के अंदर आखिरी टॉपिक है एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या डिवाइस था जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देता है। और लॉसेज में सबसे पहला लॉस ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कॉपर की वायर्स हैं, कॉपर की वायर में करंट है, करंट की वजह से कॉपर की वायर गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो उसको कॉपर लॉस बोलते हैं, हीट लॉस इन कॉपर वायर इज नोन एज कॉपर लॉस। सेकेंड लॉस है आयरन लॉस। आयरन लोहे का बना हुआ ट्रांसफार्मर है और उसके अंदर क्या हो जाते हैं डेवलप एडी करंट्स, क्योंकि वायर में जब करंट चेंज होता है तो लोहे के अंदर एडी करंट जनरेट हो जाते हैं जो हीट जनरेट करते हैं, तो इट इज़ नोन एज आयरन लॉस। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जब हम एक वायर में करंट चेंज करते हैं, फ्लक्स चेंज करते हैं, तो दूसरे का हम ये मानते हैं कि पूरा फ्लक्स चेंज हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्टली वो थोड़ा दूर होता है कॉइल्स और पूरा फ्लक्स चेंज होता नहीं है, तो कम चेंज होता है, तो इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उतनी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो नहीं पाती जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हिस्टैरिसिस लॉस। हमने किया था वो अंदर जो एटम्स हैं जब आप करंट चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो अंदर के एटम्स कभी इधर कभी इधर कभी इधर मूव करते हैं हिस्टैरिसिस, कभी मैग्नेट बन रहा है कभी डी मैग्नेट बन रहा है, तो उससे भी लोहा गर्म हो जाता है, इट इज़ नोन एज व्हाट हिस्टैरिसिस लॉस। नेक्स्ट है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन या हमिंग नॉइस, आवाज़ आती है ट्रांसफार्मर के सामने खड़ो तो जो हमिंग नॉइस है उसको हम क्या बोलते हैं, हमिंग लॉस या मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो ये लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर है कि कहाँ कहाँ एनर्जी का लॉस होता है ट्रांसफार्मर।